अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा ब्रेड, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, जो कि बच्चों के लंच बॉक्स में और घर में रहकर भी इंजॉय किया जाता है। ये छोटे बड़े सबको बहुत ही पसंद आने वाली स्नैक्स है। इसके लिए हमने लिए हैं ब्रेड के पीसीज। इसके ऊपर हम सबसे पहले लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। इसको हम अच्छे से सारी ब्रेड पर स्प्रेड कर देंगे। हम सब पीसीज पर ऐसे ही लगाते जाएंगे। जब इन सब ब्रेड पर लग जाएगी तो बाकी स्पाइसेस बाद में हम शामिल कर देंगे। ये हमने थोड़ा सा प्याज रफली काटा हुआ है और साथ ही थोड़ी सी शिमला मिर्चें जो कि रफली काट कर रखी हुई हैं, इनकी तह हम पहले लगाएंगे। ये सब पर हम फैला देंगे। अगर आपको चिकन ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें चिकन को मैरिनेट करके तैयार करके इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन आज मेरा कुछ वेज खाने का मूड था इसलिए मैंने चिकन के बगैर ही ये तैयार किए हैं। ये सब वेजिटेबल्स मैं डाल चुकी हूँ। इसके बाद हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालेंगे जो कि हमने क्रश करके रखी हुई है। इन सब के ऊपर हम एक जैसी चीज़ डाल देंगे। इससे इसका मज़ा बहुत ही ज़्यादा आता है। साथ ही हमने स्वीट कॉर्न्स लिए हैं, ये थोड़े थोड़े हम ये डाल देंगे। और इसके बाद हम ब्लैक ऑलिव्स डालेंगे जो कि तैयार होने के बाद बिल्कुल पिज़्ज़े की शक्ल ही आ जाती है। इसके लिए हमने जो पैन लिया है इसके नीचे हम अब लो फ्लेम पर चूल्हा जला देंगे जो कि हल्की हल्की स्टीम इसको मिलती जाएगी, और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखें, माशाल्लाह से हमारे ब्रेड सैंडविच बिल्कुल तैयार हैं। आप भी अपने घरों में बनाएं और इंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।